नमस्कार साथियों, एक्टिव किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार, रीपर बाइंडर मैकेनिक। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने यह जो वीडियो बना रहा हूं, यह हमारे गांव के बगल से बहने वाली गंगा नदी की है, जो कि हमारे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर अभी वर्तमान में बह रही हैं और हमारे गाँव से अगले गाँव की तरफ बहुत ही भीषण एवं ज़बरदस्त कटाव कर रही हैं। इस कटाव के कारण जो ग्रामीण है वह पूरी तरह से दहशत में है और बहुत ही भयानक स्थिति वहाँ उत्पन्न हो चुकी है। वहाँ आसपास जो भी किसानों के खेत हैं वो गंगा नदी में विलीन हो रहे हैं, समा रहे हैं। पूरी तरह से दहशत का माहौल है। अतः साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुँच पाए एवं इस पर कोई ठोस एवं सकारात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा किया जाए, जिससे कि हज़ारों की आबादी बेघर होने से बच जाएगी। साथियों, यह वीडियो मैं जिस समय बना रहा हूं, वह स्थिति देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है कि वहां के जो किसान साथी हैं वह अपने बने हुए घर द्वार को किस तरह से छोड़ने के लिए मजबूर बने हुए हैं। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण हर साल हमारे दियारा वासियों को इस तरह की स्थिति से अवगत होना पड़ता है। कभी बाढ़ में हमारी फसल बर्बाद होती है तो कभी गंगा नदी अपने आगोश में हमारे खेत खलिहान एवं घर तक को भी नहीं छोड़ती है। देखिए किस तरह से फसल लगा हुआ खेत गंगा नदी में विलीन हो रहा है, समा रहा है। वहाँ के किसान की हालत देखते हुए भी नहीं बन पाती है, लेकिन सरकार की उदासीन रवैया के कारण हर साल दियारावासी इस तरह से नदी की मार झेलते रहते हैं। तो अतः मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए। आप लोग का सुझाव आमंत्रित है। देखिए अभी यहाँ से जो वर्तमान में लोग खिसके हैं, किस तरह से मिट्टी सीधे गंगा नदी में विलीन हो गई है। अगर थोड़ा देर हुआ रहता तो किसी अनहोनी की घटना भी घट सकती थी। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।